लोग जो है उसको चुपचाप सुनते रहेंगे और कांग्रेस हरियाणा में हारने के बाद चुपचाप इन बातों को बर्दाश्त कर लेगी तो वह माफ कीजिए वो बहुत बड़ी खुशफहमी पाले हुए हैं। क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से भागवत के बयान को लेकर और मोदी के जो अर्बन नक्सल वाली जो टिप्पणी है जो वो कांग्रेस को अभी बार बार अर्बन नक्सल कहकर बोलने लगे हैं उसका उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया उससे समझ में आता है कि कांग्रेस में अभी बहुत दम बाकी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद ये ऐलान कर चुके हैं, कश्मीर में जब उनकी एक सभा थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इस सरकार को हटाऊंगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे भी दीर्घजीवी हो, वो शतायु हो, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन आज उनके तेवर देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जिस जज्बे और जोश की जरूरत आज है वो मल्लिकार्जुन खड़गे में दिखाई दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इससे जरूर हौसला मिलेगा। संघ की विभाजनकारी और जो एक अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के प्रति एक जो नफरत भरी जो सोच है संघ जिसको पूरे देश में फैलाना चाहता है और राहुल गांधी जिसके लिए कह चुके हैं कि ये जो केरोसिन पूरी फैला दी गई और बस चिंगारी लगने की देर है, आज मोहन भागवत फिर उस चिंगारी को हवा देते हुए नजर आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब जवाब दे दिया तो उससे उम्मीद बनती है कि संघ भी इसमें कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि अभी भी उसके खुल के खेलने का टाइम जो है वो इस तरह नहीं आया है कि देश उसके लिए खुला मैदान बना हुआ है और वो जो चाहे करेगा। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पहले हम उस बात को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे तुम ये करने वाले ही बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहाँ से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को। आपको बता दूं कि खड़गे जी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि आज मोहन भागवत ने अपने भाषण में मतलब उनको ये जो शस्त्र पूजा वो करते हैं, पथ संचालन करते हैं, आज के विजयदशमी के दिन उसको बहुत ये उस तरीके से सेलिब्रेट करता है संघ। लेकिन आज उन्होंने अपने भाषण में एक तरीके से पूरा ये समझाने की कोशिश की कि देश को अब मोदी सरकार किस दिशा में आगे ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन झगड़े का मतलब जो युद्ध है उसका जिक्र किया, उसके अलावा वो कलकत्ता की घटना का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि भारत में कितनी विविधता है और उस विविधता को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को एक होना चाहिए और जो जहां है वैसा रहना चाहिए, क्योंकि समरसता इस शब्द का इस्तेमाल जब भी संघ करता है तो उसका मतलब यही रहता है कि समाज में जो जैसा है वो वहीं बना रहे, यानी दलित उसी तरह से दबे कुचले रहे, पिछड़े उसी तरह से रहे, महिलाएं वैसे ही दबकर रहे, अल्पसंख्यकों को जो दोयम दर्जा मिला है वो उसी तरह से रहना चाहिए और केवल हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए, ये संघ की सोच है। आज भी मोहन भागवत ने यही कहा, उन्होंने ये कहा कि विभाजनकारी यानी कांग्रेस पर जो इल्जाम मोदी लगाते हैं वही इल्जाम आज बिना नाम लिए मोहन भागवत ने लगाया कि विभाजनकारी ताकतें हमारी एकता को, विविधता को तोड़ रही हैं, ये उन्होंने कहा। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमको अपनी रक्षा के लिए खुद आगे आना चाहिए, जब तक प्रशासन हमारे लिए ना आए तब तक समाज को इसके लिए जाग जाना चाहिए। मोहन भागवत ने दरअसल गणेश उत्सव के दौरान जो विसर्जन पर जुलूसों पर जो पथराव हुआ उसको लेकर ये कहा कि इसकी कोई वजह नहीं थी, ऐसी बातों का नियंत्रण तुरंत करना प्रशासन का काम है, लेकिन समाज को भी तैयार रहना चाहिए, गुंडागर्दी किसी के नहीं चलने देनी है, अपना और अपनों का प्राण और वस्तु की रक्षा करना मूलभूत अधिकार है, जो पुलिस प्रशासन को करना है वो उन्हें करना ही देना चाहिए, लेकिन उनके आने तक अपनों के और अपने प्राणों के बचाने की रक्षा करना हमारा अधिकार है और इसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। और वो ये भी साथ में जोड़ते हैं कि मैं किसी को लड़ने या लड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परिस्थिति ऐसी है इसलिए कह रहा हूँ। साफ तौर पर यहाँ पर मोहन भागवत लोगों को यानी हिंदू समाज को एक तरह से उकसा रहे हैं कि कोई आप पर अगर कोई कुछ करे तो आप अपना बदला तुरंत ले लीजिए और इस बात की परवाह मत करिए कि पुलिस प्रशासन कब तक आता है और कब तक नहीं आता। ये सीधे सीधे कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात है। इसके साथ साथ वो ये जिस तरह से विभाजनकारी होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया तो उसका जो जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया वो भी आपने सुना। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीधे सीधे बीजेपी के लिए टेररिस्ट पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी तक इन चुनाव में जिस तरह मोदी बार बार अर्बन नक्सल शब्द को सामने ले आया और कांग्रेस के लिए वो ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल, तो उसका क्या जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए उसको भी सुन लेते हैं। अरे तुम ये करने वाले ही भाई कहते हैं, अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हीं कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर हमें क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना साफ साफ, एक तरफ वो बीजेपी को टेररिस्ट पार्टी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के राज में अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र खड़गे जी ने किया और साथ साथ ये भी बताया कि जो लोग ऐसे अत्याचार करते हैं उनको बीजेपी संरक्षण देने का काम करती है, मोदी उनका साथ देते हैं। और मोदी जब ये सवाल उठाते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए या महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए या दलितों पर अत्याचार रुकना चाहिए, तो खड़गे जी ने यहाँ भी एक सवाल उठाया कि हुकूमत किसकी है, हुकूमत आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों ये सब नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही मोदी सरकार, किस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को आरोपी नहीं, दोषियों को जो छोड़ा गया और उनका फूलमाला से स्वागत किया गया, किस तरह से झारखंड में लिंचिंग के दोषी जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। ये तमाम मिसालें हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद मोदी की हिम्मत या दुस्साहस ये है कि वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब चुप होकर रहने वालों में नहीं है और इसलिए आज खड़गे जी ने जवाब दिया। विजयादशमी के दिन उन्होंने खासतौर पर यह जवाब देकर बता दिया कि जब तक कांग्रेस है वो इस तरह से असत्य के और अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी और जवाब देती रहेगी। हालांकि ये लड़ाई कब जाकर खत्म होगी और इसका अंजाम आखिर में क्या होगा या कितनी लंबी ये लड़ाई चलनी है, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन आज के ये खड़गे जी के तेवर देखकर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का जज्बा अभी बहुत मजबूत है और कांग्रेस के इस मजबूत जज्बे से और जिस तरह बीजेपी को सीधे सीधे मोदी और भागवत को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है खड़गे जी ने, उससे क्या देश में सियासत में जो अभी नई हलचल मची है उससे क्या आगे बदलाव आने वाला है, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, खड़गे जी को हमने सुना, आवाज में थोड़ी सी भले ही क्लर्ज जो है वो दिखाई दे रही है क्योंकि उम्र उनकी हो रही है, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही, राहुल गांधी भी जिस तरह से बोलते हैं वो कांग्रेस के बब्बर शेर बिल्कुल ललकारते हैं, लेकिन आज खड़गे जी की बातों को सुनकर क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस अब बीजेपी से बिल्कुल एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? बिल्कुल समिता जी, राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे थे अभी तक वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर एक तरीके से मोहर लगाते हुए और आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ एक तरीके से कहा जाए उनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर दिया है। एक तो मोहन भागवत जो आज बातें कह रहे थे, मोहन भागवत को पहले अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने संगठन का इतिहास पढ़ना चाहिए और बीजेपी का इतिहास पढ़ना चाहिए। संविधान को लेकर जो बातें कर रहे थे मोहन भागवत और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, एक तो सुरक्षा को लेकर जैसे आपने शुरुआत में आपने कहा कि भाई उन्होंने हिंदुओं से कहा कि एकजुट होना है और अपनी सुरक्षा खुद करनी है, प्रशासन जब आए। अरे भाई, तो ये जेट पर सुरक्षा काहे लिए घूम रहे हो, छोड़ो इसको, लाठी लेकर के आपके स्वयंसेवक आपकी करेंगे सुरक्षा। आप तो मिसाइल भी रख लिया आपने, तो चार कंधों पर मिसाइल रखवा के साथ में चलो, काहे जेट पर सुरक्षा लिए घूम रहे हो। सरकार की सुरक्षा छोड़ो, आप तो सक्षम है, हिंदुओं की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। तो जब आप हिंदुओं की सुरक्षा करने में आरएसएस सक्षम है, तो आरएसएस का चीफ जो भारत सरकार की सुरक्षा लिए क्यों घूम रहा है? ये तो सवाल उनके ऊपर ही है। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से मोहन भागवत के आज के जो वक्तव्य था उसका जवाब दिया है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई समिता जी कि कांग्रेस अब आरएसएस की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ खामोश नहीं बैठने वाली है और तुर्की उसका जवाब देगी। एक तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे थे वामपंथी उग्रवाद और अरवन नक्सल इस सब को लेकर, उसको लेकर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत जोरदार शब्दों में इसका प्रतिवाद किया और टेररिस्ट पार्टी भी कहा बीजेपी को। अब देखना ये है कि बीजेपी इसके बाद क्या हमला करती है, वो अभी देखना होगा, चूँकि सीधा सीधा आतंकी पार्टी बीजेपी को कहा गया है। तो अब बीजेपी का ट्रोल आर्मी जो अब जुटेगी और बड़े बड़े नेता बीजेपी के सब निकल कर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हमला करने के लिए। तो अब वो देखेंगे कि वो किस तरह की जवाब देते हैं। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं और जो प्रश्न बीजेपी से पूछ रहे हैं और मोहन भागवत से पूछ रहे हैं, तो क्या मोहन भागवत और बीजेपी के पास मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रश्नों के कोई जवाब हैं? अगर हैं तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भागवत जी को मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी दोनों के ऊपर, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के ऊपर सीधे सीधे हमले किए हैं और कहा है कि भाई जो आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, ये बातें तो आपका प्रधानमंत्री करता है सारा और वो आपकी आइडियोलॉजी पे चलता है, वो खुद को प्रधान स्वयंसेवक कहता है। तो जो प्रधान स्वयंसेवक जिन बातों को कर रहा है और जो काम कर रहा है, आप उस पर पूरे देश को ज्ञान बांट रहे हैं और खुद आप क्या कर रहे हैं? तो ये सीधे सीधे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी पे उठाए हैं और मोहन भागवत को निश्चित तौर पर इन आरोपों के जवाब देने चाहिए। बिल्कुल, अब मोहन भागवत जवाब देते हैं या फिर गोलमोल, क्योंकि आज का उनका जो भाषण सुन लीजिए तो वो तमाम बातें, एक पल को तो ऐसा लगेगा कि कोई बहुत अच्छा कोई प्रवचन दे रहा है, लेकिन जब उन बातों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कितने वो बड़ी चतुराई से समाज में जहर भर रहे हैं। और ये काम आज का नहीं है, ये पूरे 100 सालों की प्रैक्टिस है संघ की, और सरदार पटेल इस बात को समझ गए थे और खासकर गांधी जी की हत्या जिस तरह से की थी संघ के कहने पर या उसके मार्गदर्शन में ये कहा जा सकता है। तो उसके बाद जिस तरीके से सरदार पटेल ने संघ पर एक बैन लगाया तो वो शायद समझ गए थे, दूरदर्शी थे। हालांकि मोदी अब पटेल को अपने खेमे में दिखाना चाहते हैं और बार बार पटेल वर्सेस नेहरू जो है वो खड़ा करते हैं, लेकिन संघ की बात जब आती है तो पटेल और नेहरू जो है वो एक साथ ही थे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बता दिया कि कांग्रेस जो है वो अभी अपने उन्हीं पुराने मूल्यों पर चल रही है। बीजेपी में भले मूल्य बदलते रहते हैं, वाजपेयी काल के समय की बीजेपी और मोदी काल के वक्त की जो बीजेपी है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, लेकिन संघ की जो सोच है वो वैसे ही है। और जहां बीजेपी और संघ मतलब जैसा ही फायदा होगा वो दोनों एक साथ ही खड़े दिखाई देते हैं, ये बात हमको समझ में आ रही है। संघ की आज की जो इस बैठक में मतलब आज जो कार्यक्रम था उसमें हमको नितिन गडकरी भी दिखे, देवेंद्र फडणवीस भी दिखे, बिल्कुल जो संघ की वेशभूषा है उसी में। मोदी भी रहे हैं किसी जमाने में संघ के प्रचारक, मुझे आश्चर्य है कि मोदी क्यों ये नहीं करते जब उनके मंत्री इस बात पे संकोच नहीं करते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी दिखाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, तो मोदी किस बात का आवरण ओढ़े हुए, ये भी एक अलग ही सवाल है। बहरहाल आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो ये कि जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है, उसके बाद अभी खबर ये भी आई है जैसे अब हरियाणा में अब 17 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तीसरी बार में ही सही, लेकिन अब ये तारीख जो है शायद फाइनल हो चुकी है, मोदी भी पहुंचेंगे। और ये हरियाणा चुनाव को लेकर इसके बाद मतलब हरियाणा में एक ये कोशिश की थी मोदी ने कि वो किसी तरह वहां पर सांप्रदायिक तनाव वहां पर बनाया जाए और उसके बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए। हालांकि हरियाणा में ये मुद्दा कितना कामयाब हुआ ये एक अलग सवाल है। बीजेपी को जीत तो मिली लेकिन उसकी दूसरी वजह बताई जा रही है। अब महाराष्ट्र चुनाव सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी यही हिंदुत्व, यही सांप्रदायिकता, क्योंकि आज भागवत के भाषणों से भी यही जो संकेत मिले हैं, और जिस तरह झारखंड में एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, चंपई सोरेन भी अभी वापस उन्होंने वैसे ही बयान दिया, मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, ये तमाम लोग वैसे ही बातें किए जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कोशिश चल रही है। क्या लगता है आपको ये जो अभी आने वाले 2-3 चुनाव हैं, क्या इनमें आज के भाषण के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व और यानी कट्टर हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी? क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, उसको इसी पे लड़ना ही पड़ेगा और सब जगह वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि अगर इन पर नहीं लड़ेगी तो बीजेपी के पास है क्या जनता को बताने के लिए? भाई उसके खाते में कुछ उपलब्धियां हो तो बताए उनको, कुछ आर्थिक नीतियां हो तो उनको बताए, तो जो उसके खाते में नहीं है तो उसको इसी विभाजन पर लड़ना है, सांप्रदायिकता के आधार पर ही उसको चुनाव लड़ना है, ये उनकी अपनी नीति है। अब कहीं वो मतलब धार्मिक सांप्रदायिकता का तो सहारा लेते हैं, जातीय सांप्रदायिकता का भी सहारा लेते हैं, मतलब जो फूट डालो और राज करो की नीति है वो उसको धर्म और जाति दोनों के आधार पर इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लड़ना इसी के आधार पर है। लेकिन समित्रा जी अब वो साथ साथ दूसरा टैग भी बदलने की कभी कभी कोशिश करते हैं। अब जैसे अमित शाह ने कह दिया कि ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर दिए जाएंगे, अब वो देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, और झारखंड में ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। हालांकि एक कोशिश हुई है, महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों का वेतन जो है वो 6000 से 16000 किया गया है, तो ये जो किया गया है तो इस पर भी काम चलेगा और साथ साथ सांप्रदायिक विभाजन भी किया जाएगा, दोनों पे काम करेगा। और आज एक तरीके से देखा जाए मोहन भागवत ने ये लाइन और स्पष्ट कर दी कि बीजेपी को किस लाइन पर चलना है, यानी बीजेपी शुद्ध रूप से अब सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति पर चलेगी, जिस पे वो चलती आ रही है। बीच में थोड़ा सा लगा था कि शायद उससे नुकसान हो रहा है, लोकसभा चुनाव में जैसे उससे नुकसान हुआ, उसके बावजूद लेकिन उसके पास कुछ है नहीं तो उसी नीति पर चलेगी। प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि बटेंगे तो वो खुश होंगे दूसरे बांटने वाले, इस तरह की जो बातें की, आज उसी को एक तरीके से कहा जाए तो एम्प्लीफाई किया है मोहन भागवत ने। यानी मोहन भागवत की भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में कोई अंतर नहीं है और ना लक्ष्य में अंतर है, भाषा भी एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है, किसी तरीके से इस देश का विभाजन और जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द है और देश की जो विविधता में एकता है उसका विभाजन करना, ये दोनों का लक्ष्य है, उस पर आगे मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने भागवत ने तो आज कहा भी स्पष्ट शब्दों में कि ये विविधता में एकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब क्या जिस तरीके से कहा कि वो कमज़ोर हो जाए, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो यानी वो विविधता में एकता को खारिज कर रहे हैं मोहन भागवत, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, क्या कोई किसी विश्व युद्ध का आगाज़ करने की घोषणा भी कर रहे हैं मोहन भागवत, क्योंकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को लेकर चिंता है, सारे विश्व में जो हिंदुओं पे जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर चिंता है और भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हैं मतलब मोहन भागवत कि इजराइल में जो हिंदू यहाँ से गए हुए हैं नौकरी करने के लिए, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो घर वापस आना चाहते हैं, नहीं आते हैं, तो इजराइल पर हमला कर दे भारत। क्या मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो है वो सेना लेकर चढ़ जाएँ इजराइल के ऊपर और वहाँ से अपने लोगों को निकाल करके ले आए, जैसे यूक्रेन में से निकाल कर लाए थे, यूक्रेन में भी हो रहा है तो रूस पर हमला कर दें मोदी जी जाकर, या अमेरिका में हमला करने 15000 से ज़्यादा जो हरियाणा के वहाँ गए हुए हैं जंकी रूट के ज़रिए, तो उनको निकाल कर लाना है, तो वो हिंदू ही हैं वो सब जो गए हुए हैं, मुसलमान तो है नहीं उनमें, तो उन पे भी हमला अमेरिका पे कर दे भारत, क्या ये चाहते हैं भागवत जी? आखिर भागवत जी चाहते क्या हैं, खुलकर क्यों नहीं बोलते भाई? किन हिंदुओं की आपको चिंता है? हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं और पतलून पहन के आप घूम रहे हैं, तो ये बहुत सारे संकट भागवत जी के सामने। तो भागवत जी को जो करना है, देखिए राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करें, किसी ने नहीं रोका है, आप खुलकर राजनीति करिए, बीजेपी के पीछे छिपने की कोशिश मत कीजिए। तो भागवत जी ने जो आज बातें कही समित्रा जी, वो एक तरीके से कहा जाए वो बीजेपी के लिए लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भागवत जी ने तैयार किया, जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भागवत और मोदी दोनों को घेर लिया कि आपका एजेंडा कुछ है, मुंह में आपके कुछ रहता है और जो आप बोलते हैं वो द्व्यर्थी संवाद आपके होते हैं, कहना आप कुछ चाहते हो, मन में आपके कुछ होता है, करते आप कुछ हैं। तो ये एक तरीके से घेर लिया है और इस पर बीजेपी को, आरएसएस को, मोहन भागवत को कोई जवाब देते हुए फिलहाल तो नहीं बन रहा है, बाकी अब जब जवाब आते हैं तब देखा जाएगा कि क्या जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों पर आते हैं समित्रा जी। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह आज बीजेपी को सीधे सीधे आतंकी पार्टी बोल दिया, एक वक्त था जब अगर भगवा आतंकवाद इस शब्द का इस्तेमाल होता था तो बीजेपी बिल्कुल बिदक जाती थी और बहुत ज्यादा हमलावर हो जाते थे उसके तमाम नेता, लेकिन अब आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बिल्कुल संकोच नहीं किया ये बताने में, बीजेपी को जो आईना दिखाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और बता दिया कि आप एक टेररिस्ट पार्टी है, क्योंकि आपके राज में किसी ना किसी तरह से आतंक जो है वो बन रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यकों में बने, चाहे वो दलितों में बने, चाहे वो महिलाओं में बने, और ये आज खड़गे जी ने बोल दिया। उधर भागवत जो बोल रहे थे आज, जो बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी तो उनसे कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब वहां पर जिस तरह से हो रहा है और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए, और ये सारी बातें कही उन्होंने, जिस पर आज पवन खेड़ा ने जो जवाब दिया उसको हम सुनेंगे ही, लेकिन अभी मैं पहले ये बता देती हूँ आज अखिलेश यादव ने भी उस पर उनको घेरा। उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के हिसाब से बांग्लादेश के मुद्दे को बचाना था, पर उस समय ये लोग कहा थे जो अब भाषण दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के सीएम से ज्यादा उत्पात कौन मचाता है, क्या आपने यूपी के सीएम की भाषा सुनी है? ये सवाल वो मोहन भागवत से कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि उनके अधिकारियों के साथ समय बिताइए, वो आपको यूपी के सीएम के उत्पात के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो कल से यूपी में हंगामा मचा हुआ है परसों रात से, उसको वो अभी भी मतलब धार देने में लगे हुए हैं, उस मुद्दे को वो ठंडा नहीं होने दे रहे। बीजेपी वहां पर घिरी हुई है। और इधर आज बांग्लादेश का जो जिक्र छेड़ दिया मोहन भागवत ने, उस पर आज जो पवन खेड़ा ने जवाब दिया है उस पर भी एक तरीके से घिर गई है बीजेपी। सुन लेते हैं क्या कहा है पवन खेड़ा। तो ये क्यों हुआ? दूसरा सर, जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है संघ विजयदशमी के दिन देता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जिक्र, वो एकजुट हुआ तो बचा, दुनिया भर के हिंदू उनकी मदद करे, सरकार उनके बचाव में आए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि बिल्कुल, पवन खेड़ा ने भी यहाँ पर मोहन भागवत से सवाल कर लिए, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भी कर लिए और साथ ही साथ ये कि जब यहाँ पर अल्पसंख्यक एकजुट होने की बात कहते हैं तो आपको उसमें तुरंत ही खतरा नजर आने लगता है, क्योंकि बीजेपी ने इन 10-11 सालों में एक ऐसा संदेह का वातावरण वाकई फैला दिया है कि अगर कोई टोपी लगाए और कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखे तो लोग एक मतलब तुरंत ही उसको संदेह की नजरों से देखने लगते हैं। और जिस तरह ट्रेन में खाने के डब्बे में क्या रखा है से लेकर किसी के फ्रिज में, घर में जो फ्रिज रखा है उसमें खाने में क्या है, इस सब को लेकर जिस तरह की लिंचिंग हो चुकी है इस देश में, वो बहुत शर्म की बात है। उसके बाद लेकिन ये मोदी और भागवत का दुस्साहस गजब है कि वो इसके बाद भी एकता, सद्भावना, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करके बताते हैं कि देश को क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और वो जनता को प्रवचन भी देने की हिम्मत जो है वो दिखा रहे हैं। हालांकि जनता आप समझ रही है और जो लोग बीजेपी के पुराने साथी रहे हैं वो भी अब उनकी सच्चाई को समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से नकाब ओढ़ा हुआ है। और खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट जो है वो इस बात को अब सबसे ज्यादा पीड़ा उसी की है, क्योंकि बहुत लंबा सबसे पुराने साथी रहे बीजेपी के। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को धोखा देकर और शिंदे को यहाँ पर मिला लिया गया और बीजेपी सत्ता में आई, वो सत्ता का घिनौना खेल जो है उसको शिवसेना नहीं भूली और अब महाराष्ट्र चुनाव फिर से आ रहे हैं और ऐसे में वहां पर जो तैयारी चल रही है महागठबंधन की वो एक अलग है। इसके साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट जो है अब बहुत ज्यादा हमलावर है, क्योंकि आज जो विजयादशमी का दिन, आज संजय राउत ने ये कहा कि एक तरफ वो संघ के लिए बहुत खास होता था, उसकी रैली चर्चा में आती थी, और दूसरी जो हमारी रैली यानी जो बाल ठाकरे जो शिवाजी मैदान में कार्यक्रम करते थे वो हमेशा सुर्खियों में रहता था। लेकिन जब से ये शिंदे गुट, उसको उन्होंने साफ साफ चोर कहा और ये कहा कि हमारे बीजेपी ने ये चोरी करवाई है और उसके बाद हमारे प्रतीक चिन्ह को भी हमारे छीन लिया, लेकिन हमारे हाथ में जो मशाल है वो आग लगा देगी। आज ये साफ साफ चेतावनी संजय राउत ने दी है, बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने उसको सुन लेते हैं। सालों से आपने देखा है कि जो शस्त्र होते हैं वो बदलते भी जाते हैं, आधुनिकता आती है। कभी हम पत्थर से युद्ध करते थे, फिर चाकू तलवारें आ गई, फिर बंदूक आ गई, फिर बम आ गए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। धनुष बाण हमेशा हमारा चिन्ह रहा है, पार्टी का सिंबल रहा है, लेकिन मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष बाण है वो हमसे चुरा कर, छीन कर ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनुष बाण हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा चिन्ह मशाल है। ये जो मशाल है जो आग लगाता है और प्रकाश भी देता है, अंधकार भी दूर करता है, ये मशाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथ में भी मशाल रही है। उनके जो फौज थी वो फौज में भी मशाल रही हमेशा, आप देखिए जाकर। तो ये मशाल हमारा चिन्ह है, मशाल हमारा शस्त्र है, आग लगा देंगे। सर, सीट शेयरिंग को लेकर साफ साफ बोल दिया संजय राउत ने। अमलेंदु जी यहाँ पर उन्होंने आग लगा देंगे भी कहा, ये भी बताएं कि मशाल की क्या क्या उपयोगिता है और उसका ऐतिहासिक महत्व, और ये इस ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए छत्रपति शिवाजी का भी जिक्र उन्होंने किया और बता दिया कि किस तरीके से इनके धनुष बाण को छीना गया है, लेकिन उनके जज्बे को तो नहीं छीन पा रही है बीजेपी। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि महाराष्ट्र में अब इस बार जो शिवसेना लड़ाई लड़ेगी, यानी जो चुनावी लड़ाई लड़ेगी, वो जो है वो पहले की अपेक्षा और तल्ख और ज्यादा हमलावर रहेगी बीजेपी पर, और इस बार बीजेपी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर तब जबकि अजित पवार क्या कर रहे हैं या एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, इस बारे में बीजेपी कोई भरोसा नहीं है। क्या लगता है आपका? बिल्कुल संमित्रा जी, उद्धव ठाकरे की तैयारी पूरी है और ज़ोर शोर से तैयारी है। आदित्य ठाकरे ने भी आज एकनाथ शिंदे को एक तरीके से सीधा सीधा चैलेंज दिया कि भाई अगर तुम में इतनी क्षमता है और इतने बड़े तुम हो तो हमारे दादा का चित्र लेकर के मत जाओ जनता के बीच, अपने दम पर जाओ जनता के बीच, यानी नाम इस्तेमाल करोगे हमारे दादा का और हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो थर्ड कार्बन कॉपी है, मतलब पहली कार्बन कॉपी भी नहीं, थर्ड कार्बन कॉपी इसको कहा एकनाथ शिंदे को, उनकी शिवसेना को। और संजय राउत ने कहा कि इनकी पार्टी तो गुजरात में बनी है तो ये तो गुजरात से चलती है, तो ये भी आया। और अगर कल जिस तरीके से शर्मिता जी अजीत पवार जो थे वो गायब रहे, वो जो रनवे का निरीक्षण करने गए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो अजीत पवार उस समय गायब थे वहाँ से। तो ये तो चीज़ें इनके अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां महागठबंधन की, यानी कि महाविकास अघाड़ी की या इंडिया गठबंधन की अच्छी तैयारियां हैं, एकजुट तैयारियां हैं। और संजय राउत का ही बयान था आज एक और दूसरा सुबह थोड़ी देर पहले कि सारी सीटों पे लगभग बातचीत हो चुकी है, लगभग 40 सीटों के आसपास बचा है, वो भी तीसरी राउंड की हमारी बातचीत होगी, तो हमारा सीट शेयरिंग हो चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी की किस तरीके से सीट शेयरिंग हो रही है इसको लेकर अभी तक कोई बातचीत सामने नहीं आई है कि किन सीटों पे बातचीत हो रही है और कैसे है। अब खबरें ये आ रही हैं कि लगभग 47 या 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों अपना क्लेम कर रहे हैं और बीजेपी उनका फैसला नहीं करवा पा रही है। तो अब अजीत पवार इस वजह से गायब हो रहे हैं कि वो 47 सीटें उनको मिलनी चाहिए और वो या एकनाथ शिंदे को मिलनी चाहिए, तो दबाव बना रहे हैं, या एनडीए से अलग होने की कुछ जुगत लगा रहे हैं। अब ये तो अजीत पवार जाने, लेकिन संदेश इसका यही जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। दूसरा, एकनाथ शिंदे का दबाव ये है कि किसी भी तरीके से ये घोषणा की जाए कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है और उसका कहना यह है कि चूंकि महाविकास अघाड़ी जो है वो किसी का मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो हम किसी का सामने चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हरियाणा जो है उसको महाराष्ट्र में दोहराया जाए, यानी हरियाणा में जिस तरीके से आपने नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा तो एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। कल ही उन्होंने कहा कि हरियाणा को महाराष्ट्र में दोहराया जाना चाहिए और हम फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए तैयार हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो चीज़ें की गई वो चीज़ें यहाँ भी करो और मुख्यमंत्री का चेहरा भी मुझको घोषित करो। एक तरीके से उन्होंने संदेश बीजेपी को दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि हम आपको चेहरा नहीं बनाएंगे, तो ये गठबंधन इनका जो है महायुति या एनडीए जो है महाराष्ट्र में, ये चुनाव तक रहेगा कि नहीं रहेगा, चुनाव में कुछ और चीज़ें होंगी क्या होंगी, चुनाव के बाद कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, ये अभी देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर जो पूरा इस समय जो देश की राजनीति है उसमें जो हलचल चल रही है संमित्रा जी, उसको देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही महाराष्ट्र हरियाणा किसी जुगत से जीत गई हो, लेकिन अब उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं किस तरीके से वो जीती है, कैसे नहीं जीती है, उसके तमाम विश्लेषण और जांच की बातें सब चल रही हैं। लेकिन हरियाणा को क्या वो झारखंड और महाराष्ट्र में दोहरा पाएगी, इसको लेकर संशय है, चूँकि विपक्ष जो है वो अब और ज़्यादा सतर्क हो गया हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है। उसने आगे तक का भी सोच लिया विपक्ष ने कि ये और क्या क्या गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, तो उसकी तैयारी हो गई है। तो मोहन भागवत जो विभाजन का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने कभी अपना विभाजन का एजेंडा नहीं छोड़ा हो, लेकिन आज आप देखिए कि मजबूरी क्या है आरएसएस की, ये देखने की बात है कि आरएसएस को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भी जपना पड़ रहा है, मोहन भागवत को संविधान सभा की बहसों का जिक्र करना पड़ रहा है कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का क्या भाषण था। लेकिन संविधान सभा जब चल रही थी और संविधान जब बन रहा था और संविधान जब बन गया तब गुरु गोलवलकर क्या कह रहे थे संविधान को लेकर, आरएसएस संविधान को लेकर क्या कह रहा था, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य संविधान को लेकर क्या लिख रहे थे, ये विस्मृत हो गया है मोहन भागवत जी के मस्तिष्क से। तो मोहन भागवत जी को अगर बाबा साहब अंबेडकर की बातें याद हैं कि संविधान सभा में क्या कह रहे थे, तो ज़ोर शोर के साथ गुरु गोलवलकर जो संविधान को लेकर कह रहे थे वो भी भागवत जी को कहना चाहिए इस पुण्य अवसर पर। दशहरा इनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है आरएसएस का, हालांकि देश में दशहरा उस तरीके का त्यौहार नहीं होता है जिस तरीके से आरएसएस मनाता है। तो उनको इस अवसर पर कम से कम गुरु गोलवलकर का नाम एक बार लेकर अपने भाषण में ये बताना चाहिए था कि संविधान को लेकर गुरु गोलवलकर क्या कह रहे थे, ये भी उनको याद करना चाहिए था, जो भूल गए वो। तो जो भूली बिसरी बातें भागवत जी की हैं वो कुछ मैंने याद दिलाई हैं सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर लिया, संविधान की बात कर ली। अब अगर अपना इतना ही उतार चरित्र अगर दिखाना है तो मोदी और भागवत वो कम से कम ये कर लें कि एक मंच पर आके कभी कोर्ट से मुर्दाबाद बोल दें या यही बोल दें कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो बहुत दुखद था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं या हमको बड़ा अफसोस है। और जो देश भर में तमाम जो 30 जनवरी के दिन जो आजकल हम देखते हैं जिस तरीके से कि गांधी जी की हत्या के सीन को रिक्रिएट करने की जो कोशिश की जाती है, उन पर एक हाथ बार कार्रवाई करके इन्हें इतनी सी हिम्मत और दिखा दें। जो वो हिंदुओं में हिम्मत भरने की बात बोल रहे हैं वो खुद अपने अगर पुरखों के करनी पर अगर ये सब माफी मांग ले तो फिर उनकी जो नीयत है उस पर कोई शक नहीं रह जाएगा। लेकिन संघ की जो नीयत है वो आज मोहन भागवत के भाषण से एक बार जाहिर हो गई है और खड़गे जी ने आज जो उसका एकदम सीधा सीधा विश्लेषण करके बता दिया उससे भी देश की सियासत में एक नई हलचल मच गई। अमलेंदु जी, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगी कि कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को कह दिया कि आप आ जाइए जेपी के नाम पर एक नया हो, इसके बाद राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए जो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल लगे हुए हैं कि किन किन सीटों पर हम हारे, हरियाणा में क्यों हारे, उसकी अगर अपनी जो कमजोरियां हैं वो और जो गड़बड़ियां की गई हैं वो सभी कुछ राहुल गांधी स्कैन कर रहे हैं एक तरीके से। और इधर आज खड़गे जी ने ये जो बयान दे दिया तो बीजेपी अभी अपनी हरियाणा की जो जीत की खुशियां मना नहीं पा रही है उससे पहले ही ये जो घटनाक्रम हो चुके हैं 2-3, क्या लगता है आपको क्या महाराष्ट्र में या झारखंड में अब बीजेपी जो है वो पहले की तरह खुला खेल करने की हिम्मत दिखा पाएगी या थोड़ा संभल कर चलेगी? क्योंकि आपने ये बताया है कि विरोधी जो है या विपक्षी जो है वो अब और संभल गए हैं, लेकिन क्या बीजेपी की खुशियों पर पानी फेर दिया है इधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव इन सब ने? देखिए सुमित्रा जी, बीजेपी को आशा ये थी कि हरियाणा में हार के बाद शायद इंडिया गठबंधन में कोई टूट पड़ेगी और इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव में नहीं बिखरा तो हरियाणा के चुनाव से कोई फ़र्क इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ा, बल्कि देखा जाए तो पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी पर आक्रमण करने लगा। अखिलेश यादव का कल जो सब पूरे दिन भर कार्यक्रम चला है जेपी की जयंती पर और जिस तरीके से उन्होंने एनडीए में ही फूट डालने का जो अपना दांव चला कि नीतीश कुमार जी आप अगर जेपी के शिष्य हैं तो इस सरकार से आप समर्थन वापस लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ऐसे समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन एक नैतिक जो प्रश्न है वो नीतीश कुमार के सामने अखिलेश यादव ने रख दिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र से जिस तरीके से शिवसेना ने, एनसीपी ने और कांग्रेस ने हमला बोला बीजेपी के ऊपर और आज जिस तरीके से आ गया कि किस तरीके से समझौता होगा, इसके बाद फिर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस हमलावर हुई, मोहन भागवत के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला, पवन खेड़ा ने हमला बोला। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई तो अब बीजेपी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो हरियाणा दोहरा लेगी, क्योंकि हरियाणा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है और चुनाव आयोग को सीधा सीधा घेरा है शर्मिता जी, इसके बाद ये दबाव बढ़ जाएगा कि अगर हरियाणा जैसी चीज़ें दूसरी जगह पर दोहराने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो पूरी पारदर्शी हो, चुनाव निष्पक्ष हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और किसी भी तरीके की कोई बेईमानी ना हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। लेकिन अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लठैत की तरीके से काम करेगा या भारतीय जनता पार्टी के एक आनुषंगिक संगठन की तरीके से काम करेगा जो कि विपक्ष का आरोप है, तो फिर चीज़ें फिर बदलेंगी और फिर ये चीज़ें सिर्फ चुनाव आयोग के लिए ख़राब नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए ख़राब चीज़ें, क्योंकि फिर लोकतंत्र के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या भारत में वास्तव में लोकतंत्र है, यह प्रश्न उठ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर भी अब दबाव बढ़ गया है कि अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं हालांकि चुनावों ने कहा है कि वो साफ है और एक तरीके से कहा जाए जो बीजेपी की भाषा है उसी भाषा में उसने पत्र लिख करके जवाब भी दिए हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जो माहौल अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ देश में बन रहा है जनता के बीच में, तो उससे अब चुनाव आयोग को सतर्क होना पड़ेगा और अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हरियाणा में चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें किसी भी तरीके से महाराष्ट्र या झारखंड में दोहराई जाएंगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे विपक्ष किस तरीके से निपटेगा, ये विपक्ष की अपनी रणनीति पर निर्भर करेगा। सरिता जी, बिल्कुल विपक्ष अभी से सावधान हो चुका है ऐसा नजर तो आ रहा है, लेकिन बीजेपी जब तक सत्ता में है और जिस तरीके से वो डबल इंजन सरकार का दम भरती है और उसके साथ साथ इस डबल इंजन सरकार में अगर हम ये कहें कि तेल डालने का काम जो है वो संघ का रहता है, उसके कार्यकर्ताओं का रहता है, तो ये सारे लोग किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं और अपनी ये जो पटरी है या जो देश को किस तरह से ले जाना चाह रहे हैं आगे, ये आज मोहन भागवत के भाषण से जाहिर हो गया। उन्होंने साफ तौर पर एक जो हिंदुओं को एकजुट होने, हिंदुओं को अपने हक के लिए लड़ने और साथ साथ जो उपद्रवी हैं उनके लिए, मतलब किस तरीके से अल्पसंख्यकों का नाम लिए बिना या किसी का वो जिक्र किए बिना एक उन्होंने संदेह का माहौल जो है आज बनाने की कोशिश की है। तो ये जो सोमवार स्थापना दिवस है, इस पर जिस तरीके से आज मोहन भागवत ने एक खेल खेला है देश को और बांटने का, क्या इसको अब कांग्रेस के नेतृत्व में या इंडिया गठबंधन के रहते क्या संघ की ये कारगुजारियां जो हैं वो विफल होंगी, क्या बीजेपी को उसके मकसद में पूरा नहीं होने देगी कांग्रेस, ये सारे सवालों पर आगे हमारी नजर बनी रहेगी और हम देखेंगे कि आगे चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं और किस तरह देश की सियासत जो है वो आगे बढ़ती है। अमनेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे हम सब इसी तरह से डटे रहें, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ सत्य की ओर बढ़ने की जो लड़ाई है वो लंबी है लेकिन चलती रहेगी जब तक कि सत्य की जीत नहीं हो जाती। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।